लिक्विड का छोड़ रहा है यार। चलिए बेटा अब मैं नया नया राम राम जी सारे ने। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होगे। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम चल रहा है भाई। आज बच्चों की है छुट्टी, आज इनका एग्जाम नहीं है किसी का भी। तो अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है, बाकी काम कर दिया है। इस पतीले कुकर में बना रखी है दाल। आज दाल खाने का मन था तो मैंने टेक रखी है अभी चाय। चाय मेरी उबलन ना करी है, बाहर सारे बैठे हैं। तो पिंकी कहने लगी एक कप चाय बना ले, बाद में खाऊंगी रोटी। तो पिंकी ने सुबह ही मिर्चा के नाकू तोड़ कर रख दिए थे, बर्तन धोकर टोकरे में रख रखे हैं। काम सारा हो रहा है, बस रोटी राटी खाऊंगे उसके बाद दे फिर अगला काम चलेगा। क्योंकि भाई छुट्टी के दिन थोड़ा ना अभी मैं आ गई हूँ। तो मैंने तो पिंकी बेबे का आज आ गया है सीधा। तो गर्ता आ रही है, भाभी है, भतीजा है और भतीजी है, तीनों आदमी आ रहे हैं। तो सुबह तब ने पता तो था आऊँगे भाई, पर कह रहे थे दोपहर के टाइम आऊँगे, पर अभी 11:30 का ही टाइम हुआ है तो वे आ लिए हैं। तो पिंकी जब तक लाग रही है कुछ काम कर, तो तब तक मैंने चाय चढ़ा दी है और मैंने चाय की तैयारी कर दी है और नमकीन बिस्कुट डाल दिए हैं। अभी मेहमान आओ तो नमकीन बिस्कुट और चाय पानी तो होता है। और जब तक मैंने चीनू को बोल दिया बेटा तू क्लिप निकाल दे, क्योंकि भाई मेहमान ने दिखावा है तो ठीक नहीं लगता भाई, कब तक किसी का मन है नहीं है। तो मैंने अभी जो कल परसों ने कप मंगवाए थे वे निकाल दिए हैं, और डब्बे मैंने नमकीन बिस्कुट थे वे निकाल दिए हैं। और चीनी की शरारत देख लो, लाल लाल लाइट आपने दिखती होगी। और मेड़े में गए थे परसों तो लेज़र लाइट लेकर आ रहा था, मम्मी का मार मार कर देखा है इसने अपनी ये शैतानी करनी आवे हैं। बस रसोई मेरी थोड़े बहुत बर्तन भी रह रहे थे, बर्तन धोऊं थे, अभी रोटी खाई थी सारा ना। तो फिर मैंने सोची पहले भाई मेहमान आ गया तो काम अटेंड कर लिया, मिल फेट लिए हैं। तो जब तक पिंकी वहाँ पर बैठी है, भूमि के पापा बैठे हैं, बच्चे हैं सारे, तब तक मैंने अपनी चाय की तैयारी कर दी। देखो इस शैतान की शैतानी, क्योंकि लाइट इधर उधर कर लग रहा है, सारी लाइट का रुख चेंज होने लग रहा है। और जब आए थे ना तो मैंने देखा दूर तक गाड़ी आने लग रही है, तो मैंने गेट खोल रखा था। भूमि के पापा पहले ही कह रहे थे गाड़ी बाहर खड़ी थी, क्योंकि काका का छोरा लेकर जा रहा था। तो गाड़ी अंदर करवाने की कह रहे थे, तो गेट खोल दे तब तक मैं गाड़ी अंदर कर दूंगा। तो मैंने देखा जब हम गेट बंद कर लग रहे थे तब आए, जब फिर भाभी कहने लगी काम हाल ये है गेट बंद कर लो। मां भाभी गेट कौन बंद करती, मैं तो गाड़ी करवाई थी, मैं कहा आप लोग आ जाओ इंतजार है, तो मैंने छोटा गेट खोल दिया था। तो भाई अभी मैंने चाय बस छान दी है और अपनी डालकर नमकीन बिस्कुट लेकर अभी मैं जान लाग रही हूँ। तो मंसो आ लिया था लेने के लिए। भाई अभी काम सारा हो गया, काट के दे दूँ काट का, ये पता ना भूख को ना अंगूर खाए हैं। तो भाई मैं आ रही हूँ रसोई में, मैंने टिक रखी है चाय, बम हो गया खड़ी, 3 बजे का टाइम हो रहा है। आखिरकार आज पिंकी का गया सीधा है पिंकी। अब देख लो मैं रसोई कति बिखरी पड़ी है, नमकीन बिस्कुट ये मिठाई के डिब्बे ला रहे हैं। भाभी आई थी, अरे भतीजी थी, भतीजा था, अरे ये चीनू है, अंगूर फ्रिज में धर, अंगूर फ्रिज में धर दिए हैं, काले अंगूर हैं। अरे बम पीले में चाह, बाकी रोटी नहीं खाई उन्होंने, क्योंकि दिन में खतरे में ब्रेड मंगवा दी थी, क्योंकि खा खा रहे थे रोटी। हाँ सोचेंगे झूठ बोल रहे हैं। आ जाओ भाई जी बताइयो किस किसी ने काले अंगूर पसंद है। मारे चीनू ने बहुत ज्यादा पसंद है, बाकी पसंद तो सब नहीं है, पर उसको लग रहा है काले अंगूर बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई सीधा आ गया है, सीधे में क्या वो भी दिखाओगे, पहले चाह पी लिया भीतर कमरे में बैठ के, ठीक है। चाव बढ़ती है मेरी, भूमि के पापा ने आज नहीं खाई है रोटी, वो सन न जाऊँगे बाहर और बालक कर लेंगे स्कूल का काम, इनका कल का है पेपर। लो जी टाइम हो रहा है 4 बजे का, हमने चाय पानी पी ली है और मेहमान जब आवे हैं और उनके जाए बजे थोड़ी थकान सी महसूस हो गई, हमने 1 घंटा कराया रेस्ट ही बैठ के रेस्ट कर लिया है, बातचीत कर ली है। शाम का टाइम हो गया तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर ले, मैं सारे बनाने इंतजार हो गया, सीधे में केक के आया तो हम भी दिखा दे। मैं तो अपना सीधा लेकर आई थी मगर आ जा रही थी, जब मैंने तो खैर अपने सूट दिखाए नहीं, फिर भी दिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। आज मैं दिखाऊंगी पिंकी का जो सीधा आया है, बताया था भाभी आई थी, भतीजी थी और ये लेकर आए भाई, खान पीन का आप सब तो दिखाई दिया था, ठीक है। और देख लो अलग तो दिखाऊंगे भाई, यो सूट है देखें, दिखाइए पिंकी। तो ये फिरोजी कलर का सूट है, अरे इस पूरे सूट पर तीनों ईसा सुतरा काम है, हर कपड़ा क्या का पिंकी, पिंकी ने सारे कपड़े का ज्ञान है, मसलिन का कपड़ा है
पूरा मैं का सूट है और यह चुनी है इसकी, ठीक है, सूट का सूट है और एक स्टोल है और अपनी मैं और पेंट कमीज हो कुर्ता पजामा हो तो भाई अच्छा हो साथ में ये कुर्ता है, ये कुर्ता पजामा है इन्हें चाहो कोई सिलवास करना तो हमारा काम आ जाएगा, एक स्टोल है गर्मी में ये चल लेंगे, ठीक है, ये हमारा आ गया सामान। तो वही वीडियो में बने रही आप और बाकी शाम की वीडियो आप सबके साथ शेयर करते रहूँगी, इतना बैठे थे बातचीत कर रहे थे तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेंगे। लो भाई भूमि ने दिए मोती चूर के लड्डू है कितने लेके जा दो उधर का दिया जी ने तो और हमारे अन्नी पुत्र तो मिल दो भाई ये जावे है जोत लगाने के लिए, हमारे यहाँ दादा कड़े पे जोत लगती है तो इन्नी का सामान तैयार कर दिया है पिंकी ने सारा तो उदा था चिन्नी भी डाल दी चिन्नी मैं डाल लगा रहा चल यो अपना यो ले जा बाहर आज सुबह बस हमने लेकर जाई गई क्योंकि सुबह मेहमान आने थे ना इस वजह तो बस घर का काम हुआ बच्चे थे घर बच्चे के घर रन मोह काम बहुत ज़्यादा और एक सुबह ओस भी रहा है तो मैं जान बुझ कभी नहीं सोच जाऊँ भाई आज सुबह नहीं लेकर जाती ओस की बर्तन फिर ना ख़राब हो जाए वह डांग रखकर नुकसान करा है पति ना ओस है ना कुछ ठंडा मौसम बर्तन काट दी है तो मेरी होगी है तैयार भूमि चीन दोनों आ रहे हैं ना ठवाने खाते क्योंकि नहीं आई किसी और रोटी बनाने लग रही है तो भाई आज कब लोग आप सबने कैसा लग गया बताइयो ठीक है और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो और आप सब अपना सपोर्ट नहीं करते प्लीज़ रिक्वेस्ट है भी सपोर्ट पूरा करा करो वीडियो ने शेयर कर दिया करो अगर आप सब ने बढ़िया लग गया तो और भी कोई देख लेगा उन्हें भी बढ़िया लगेगी ठीक है तो मेरा काम हो गया है कल फिर मिलेंगे तब तक सारा ना राम राम।